नमस्कार, मार्केट अमन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन और लगातार सातवां सेशन, जबकि इंडेक्स में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। जो मोमेंटम मार्केट ने कैप्चर किया, वो मोमेंटम आज बढ़िया तेजी में ही रहा और आज पूरे दिन निफ्टी ने होल्ड किया उस तेजी को। आज के लिए जो स्टार था वो था निफ्टी बैंक, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के अपडेट्स Q4 के जो आए, उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया और उसके बाद से ही वो तेजी को कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ा। पूरा PSU बैंकिंग बास्केट आज तेजी में था, केनरा बैंक, SBI या बाकी बैंक्स भी। प्राइवेट से कोटक महिंद्रा बैंक, वो बज आया मार्केट में कि MSCI के इंक्लूजन से वेटेज बढ़ेगा और वेटेज बढ़ने से $75 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आएगा, जिसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया। सुबह ब्लॉक भी हुआ, 4% की तेजी देखने को मिली। तो बैंक्स तेजी में थे, आज इंफ्रा तेजी में था, आज रियल्टी तेजी में था, आज IT बैकफुट पे गया नंबर से ठीक पहले, खासतौर से TCS नंबर से पहले प्रेशर में, इन्फोसिस नंबर से पहले प्रेशर में, तो IT में थोड़ा नंबर से पहले प्रेशर देखने को मिला। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, ये कुछ ऐसा स्पेस जो कि तेजी में था। कुछ की हाईलाइट्स में आज न्यूज फ्लोज पर, तो Q4 के जो अपडेट चल रहे हैं, प्लस वो IMD का अनुमान, उनका कहना है कि एवरेज ही रहेगा मानसून, कोई एलनीनो है, एलनीनो रहेगा लेकिन बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा मानसून के ऊपर। और साथ ही साथ दूसरे बढ़िया ट्रिगर में जो काम करके गया, उसमें नियोजन एक खबर आई थी, स्टॉक में 10% की तेजी आई, उन्होंने टाइप किया एक मिट्सुबिशी की इंडिया नाम के साथ, जिसके इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला। शिल्पा मेडिकेयर दवा का अप्रूवल, 10% की तेजी वहां देखने को मिली। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स बज वर्ड्स के तौर पर काम कर रहे थे, जिसके बाद अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो न्यूज फ्लोज ड्रिवेन अर्निंग से पहले पॉजिटिव ट्रिगर के साथ कैश मार्केट में अच्छे शेयरों में बाइंग के साथ बाजार आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बेहतर मूड माहौल मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो अभी प्रिवेल कर रहा है। सीधे अब सवाल जवाब के सिलसिले के ऊपर आ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, हेलो सुमित जी, प्लीज गिव मी शॉर्ट टर्म व्यू ऑन कोल इंडिया। अविनाश सर, मैं छोटी अवधि के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर मीडियम टर्म एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कोल इंडिया में, कि कोल इंडिया में कोई भी तेजी आपको मिले या कोई भी सरकारी कंपनी में आपको कोई भी बड़ी तेजी मिले, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि वो सरकार भी इनकैश करेगी ऊपर के लेवल पे माल बेचने के लिए। ये पहली बार नहीं है, ये शायद 1000वीं बार मैं बोल रहा हूँ इसी जगह पर, आगे ही बोलूँगा अगर, क्योंकि आमतौर पर यही ऑब्जर्वेशन है कि जब भी कभी कोई भी सरकारी कंपनी में उछाल आता है तो उसको ऑब्वियसली बात है कोई भी इन्वेस्टर यूज़ करेगा अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए, तो सरकार वहाँ पर OFS लाएगी या स्टेक सेल लाएगी, इक्विटी डायल्यूशन करेगी किसी भी तरह का, और जो भी डायल्यूशन होगा वो प्रीमियम पे नहीं होगा, वो डिस्काउंट पे ही होगा, और वापस उसको प्रीमियम बनाने में सरकार मतलब सरकारी कंपनियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द वैल्यूएशन व्हाट दे हैव। तो इसीलिए छोटी अवधि के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता, लेकिन लंबी अवधि में इस चीज़ को एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। दो कोल इंडिया इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक, तो आप उस हिसाब से इसको आप जरूर देख सकते हैं। What is your view on long term view on IEX? खालिद सर, मेरा एक ही व्यू रहा है IEX पर मेजरली, कि बहुत भागा हुआ शेयर है। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो चला ही नहीं है पिछले एक साल से, तो इतिहास एक साल से पहले भी होता है। तो आप जैसे मैं अभी IRCTC का ही मैंने ट्वीट किया कुछ देर पहले, किसी ने मुझसे पूछा था कि IRCTC चलता क्यों नहीं है, तो 46% IRCTC अपने हाई से टूटा है, 1000 रुपये का हाई था और वहाँ से 585-590 रुपये घूम रहा है वो, तो 46% है बेसिकली। तो आपको अगर कुछ भी तो नहीं टूटा या इतना तो टूट गया, 50% नीचे आ गया, और क्यों नहीं चल रहा? IPO से लेके अब तक IRCTC करीब करीब 300% चल चुका है, और IPO से लेके ऑल टाइम हाई तक जो बनाई है ये शेयर करीब 600% चल चुका है। तो उतना चलने के बाद अगर ये नीचे आ भी गया है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, थिंक इन अ ब्रॉडर पिक्चर वन। तो लाइक वाइज IEX भी उसी ड्यूरेशन का चला हुआ शेयर है जब IRCTC चला था, तो आप दोनों की टाइम लाइन में चाहें तो मैच कर सकते हैं, दोनों साथ ही में जाते चले थे उस टाइम पर। बट अगेन, अब दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद PE एक्सपैंड कर गया, तो उसके लिए या तो EPS को एक्सपैंड करना ज़रूरी है PE को राइट साइज करने के लिए, तो अर्निंग इम्प्रूव हो, या स्टॉक को नीचे आना है। तो अगर ये कुछ टाइम तक एक रेंज में रहेगा तो उससे PE एक्सपैंड होना बंद हो जाएगी, EPS इम्प्रूव हो जाएगी, PE नीचे आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्योंकि शेयर एक ही भाव पर है तो ज़्यादा हिला ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है भाव बढ़ा ही बदला ही नहीं, EPS जरूर बढ़ गई इस ड्यूरेशन में, तब एक बार को वो एडजस्ट करके उसको चलना शुरू करेगा। तो तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इसकी अर्निंग बढ़े और शेयर एक रेंज में रहे, जब वो रेंज और शेयर की EPS बढ़ती चली जाएगी तब वो वापस स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू करेगा। फंडामेंटल ट्रिगर है, थोड़ा समझने मुश्किल भी हुई होगी आपको मे बी, लेकिन होना यही चाहिए आइडियली, बाकी देखते हैं विद टाइम। ओके,
LIC लॉग इन टाइम एज इन बाइंग टाइम के लिए सर, मतलब मुझे ये नहीं पता आपने पहले खरीदा है कि नहीं खरीदा। अगर आपने पहले खरीद रखा है तो आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट अगेन केवीएट वही है कि सरकारी कंपनी है और ये डिविडेंड पे ऑफ के लिए तो अच्छी हो सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा इनसे आप दूरी रहिए, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन के केस में आप ऐसे समझिए कि LIC ने 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे इनका IPO आया था। जब ये IPO आया था तभी 6 लाख करोड़ की कंपनी बनी थी, तो उस ड्यूरेशन में 97% स्टेक अभी भी सरकार के पास है, तो 3% स्टेक पब्लिक को डाइल्यूट किया उन्होंने। वो 3% स्टेक के लिए IPO आया था, विद टाइम गवर्नमेंट को स्टेक लाके 75% करना होगा, वो सेबी का मैंडेट है, लेकिन वो बहुत टाइम ले सकते हैं, वो सरकारी कंपनियों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती, कितने भी ड्यूरेशन उसे वो मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे फैक्ट है वो 92% पे आज भी बैठा हुआ है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट के पास ये हमेशा एक कैश क्या हुआ है कि स्टेक बेचा और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए जब भी प्रीमियम मिलेगा LIC में, जब भी अपने इश्यू प्राइस से ऊपर जाएगा और जब भी तेजी मिलेगी उस स्टॉक में, ये चीज़ को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी है एक बार को, तो वो पॉसिबिलिटी का केवियट रहेगा। बट अगेन इट्स अ नाइस कंपनी, वैल्यू बाय, अपनी एम्बेडेड वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है, अच्छी सब कुछ चीज़ें हैं, बट हमेशा सरकारी कंपनियां वैल्यू पे रहती हैं, तो कुछ बहुत प्रोज एंड मतलब कॉन्स हैं, तो आप उसके हिसाब से पिकअप कर सकते हैं, बट दिस लेवल इज लुकिंग गुड टू गो एटलीस्ट। ओके, CDSL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बजाज फिनसर्व। CDSL एंड बजाज फिनसर्व विल टेक सम टाइम माइट, क्योंकि ये दोनों एडजस्टमेंट के बाद के शेयर हैं। बजाज फिनसर्व में भी एडजस्टमेंट हुआ और ये बात बहुत टाइम्स तक इसी प्लेटफॉर्म में मैंने मेंशन की थी कि ये बहुत समय तक रेंज में रहेगा, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाने के बाद उसमें एडजस्टमेंट हुआ है, और वो एडजस्टमेंट के बाद तो शेयर नीचे आते ही कंसोलिडेट होते हैं, तो ये कंसोलिडेशन ही में चलेगा ये CDSL दोनों ही। अगेन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो आप पुरानी हिस्ट्री देख सकते हैं, दोनों ही एक तरफा चले हैं। रही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स की, तो ये आज जब मैंने सवाल पूछा भी था किसी एक जानकार से, तो उन्होंने 720 का स्टॉप लेके लॉन्ग जाने की राय दी थी, और आप मीडियम टर्म में, और बाकी लॉन्ग टर्म में नंबर्स पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस बार के जो नंबर्स आएंगे कि किस तरफ का रुख लेगा। ये लास्ट क्वार्टर के नंबर वीक थे, जिसके बाद स्ट्रीप रिएक्शन दिखाया, अब क्योंकि वीक बेस पर नंबर आएंगे, तो नंबर अगर बेटर आ गए तो शायद मार्केट पॉजिटिवली लेगा थम्स अप, तो आप क्रूशियली इसको वॉच करिएगा, इस क्वार्टर के नंबर्स को। PSP प्रोजेक्ट या कोई भी इंफ्रा कंपनी, दीपक सर वैसे तो अभी इसको ऑर्डर बहुत मिले हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि वो 31 मार्च रहता है, तो 31 मार्च से पहले सभी को अपने ऑर्डर्स क्लीन करने होते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो इसलिए सबके ऑर्डर आपको दिखेंगे, PSP, अशोका, दिलीप, HCC, NCC सब में ऑर्डर आए थे, L&T में तो आई रहे इनफैक्ट। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी इंफ्रा कंपनी, कोई भी XYZ एनी नेम, आपको जो याद आ रहा हो IRB, NCC, HCC, PSP, अशोका, दिलीप, और भी कोई मुझसे छूट गया हो तो वो भी, बारिंग L&T को आप जोड़ लीजिए, इन्होंने किसी ने वेल्थ क्रिएट नहीं किया, दीज ऑल आर मोमेंटम स्टॉक्स, ये मोमेंटम पकड़ेंगे और चलेंगे और फिर वन फाइन डे बर्स्ट आउट हो जाएंगे, जैसे दिलीप 740 पे बर्स्ट आउट हुआ, जैसे NCC 150-200 रुपये बर्स्ट आउट हुआ, तो एकदम से बर्स्ट आउट होते हैं और सारा पैसा ले जाते हैं। सो आप एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें कैपिटल अपना प्रोटेक्ट रहे, बाकी गेन तो जो आएगा सो आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बस कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिएगा इसमें, वो क्रूशियल है, क्योंकि इंफ्रा कंपनियों में बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पे, ऑर्डर की क्वालिटी पे, अगेन उसके पेमेंट पे, क्योंकि सरकारियाँ ही ऑर्डर देंगी ज़्यादातर, सरकारी कंपनियों से ऑर्डर आते हैं, सरकार ऑर्डर देती है, तो सरकार ऑर्डर में पेमेंट डिलेज एक कंसर्न रहा है मल्टीपल टाइम्स, या ऑर्डर एग्जीक्यूशन तक सरकार बदलना दूसरा एक बड़ा ट्रिगर रहता है, तीसरा इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है बिकॉज ये डेट बहुत लेके काम करते हैं, तो डेट की वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई होती है पूरे इंफ्रा की, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा इतना, आप 3% ब्याज पे थे आज से 6 महीना पहले, अब आप 9% ब्याज पर हो 6 महीने बाद, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, वो पार्ट इनकी मार्जिन इरोड करेगा, तो लाइक वाइज इन चैलेंजेस बहुत होते हैं। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी इसलिए L&T ऐसे प्लेयर में जो कि इंटीग्रेटेड प्लेयर है हाइड्रोकार्बन्स का, IT का, कंस्ट्रक्शंस का, तो वो एक प्रॉपर बुके है क्वालिटी का, लेकिन यहाँ के केस में थोड़ा स्केप्टिकल है, तो इसीलिए इंफ्रा में आप जो भी इंफ्रा हो आपका XYZ, उसमें आप बस इसी का ध्यान रखिएगा कि
आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे और मोमेंटम को आप बढ़िया से चेज करके पैसा बनाकर निकल जाए। कैन वी एक्सपेक्ट 15% रिटर्न फ्रॉम SBI इन नेक्स्ट 10 ईयर्स? 10 ईयर्स 15% एनुअली या 15% ओवरऑल? 15% ओवरऑल तो आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15% एनुअली की इसमें बस इसका ध्यान रखिए कि पिछले 2-3 साल में SBI का एवरेज रिटर्न क्या है। सर देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15% रिटर्न मिलेगा, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है, आराम से मिलेगा। बट वो रिटर्न हर साल भी मिल सकता है या हर 9 साल कुछ ना मिले, 10वें साल ही मिल सकता है, एवरेज 15 ही आ जाएगा घूम के। सो ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने हिस्ट्री में कभी आप लोगों ये कहाँ चले थे, लेकिन उनका भी एवरेज रिटर्न आता है 20%, 25%। मिसाल तौर पर टाटा मोटर्स, आपको लगेगा चलता ही नहीं उसका का रिटर्न होगा, लेकिन उसका भी है 15% रिटर्न, 17%, 20% रिटर्न है बल्कि 10 साल में, क्योंकि जब वो चला तो उसने एक तरफा ही तेजी दिखा के सब बराबर कर दिया। HUL इनफैक्ट पिछले 15 साल का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों में से एक है, जबकि वो चलता नहीं है, वो 1900 से 1900 से 2500 ही करता रहता है फिर भी। सो स्टिल तो आप SBI इज अ क्वालिटी असेट टू ओन, डिविडेंड मिलता है, बढ़िया बैंक है, सरकारी का सबसे बेस्ट बैंक है, लेकिन वो 15% की जिद मत करें। आप मिलेगा 15% किस साल नहीं, लेकिन एवरेज 15% आपको सालों का मिल जाएगा। सो पिछले साल क्योंकि बहुत चला है इसलिए एक बार वो कॉशियस आंसर है, लेकिन अदरवाइज बैंक को लेकर कोई सवाल आप नहीं उठा सकते, एटलीस्ट एसेट क्वालिटी को लेकर। तो LG बाला इज अ गुड कंपनी टू होल्ड? दीपक सर मतलब अच्छी ऑटो एंड स्लरी कंपनियों में एक शुमार होता है, लो वॉल्यूम रहता है, आपके पास पुरानी खरीद का पड़ा हुआ शेयर है, आप आराम से बने रहो, कोई इशू नहीं उसमें। KPIT टेक बाय करना था लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में बिरला सॉफ्ट आ गया 320 के रेट से, क्या बना रहूं या इसे सेल करके इन्फोस ले लूं या बिरला सॉफ्ट में एवरेज कर लूं? नहीं तो ये तो नाम भी मैच नहीं कर रहा, KPIT का केस या बिरला सॉफ्ट 20 है तो ये कैसे आ गया। तो एनी वेज लेकिन KPIT तो मतलब IT का सबसे ज़्यादा चला हुआ शेयर है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ हाल फिलहाल की तेज़ी में। KPIT एंड अगेन टाटा एलेक्सी दो नाम बहुत चले हैं, डिस्पाइट दैट KPIT को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा और बहुत रिटेल में इसके बारे में डिस्कशन, तो अभी आपने अवॉइड किया, ठीक किया, अभी के लिए एटलीस्ट आप स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बिरला सॉफ्ट आप बने रहो, ये क्वार्टर का नंबर तो देख ही लो एटलीस्ट, और रही बात इन्फोसिस में भी, अब आप क्योंकि उस जंक्चर पर खड़े हो कि आपकी पोजीशन नीचे ही है तो आप होल्ड ही करो। 1-2 आप अर्निंग सीजन के मुंह पर खड़े हो बिल्कुल सामने, परसों नंबर ही शुरू है तो आप उनको भी देख लो, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। एटलीस्ट आप एक बार में क्लियर हो जाओगे कि किस साइड किस करवट रूट को बैठना है, तो एटलीस्ट हो जाने दीजिए। इवेंट होने के बाद 3 महीने के लिए तो सर्टेन ही हो जाते हो ना, आपकी कोई इवेंट नहीं आने वाला अब, तो तब तक के लिए एटलीस्ट वेट कर लो ज़्यादा बेटर है। SDBL 123 पर ऐड कर सकते हैं? 123 पे तो आपके पास है शायद, अब क्या ऐड करो, बैठे रहो शांति से। इसमें राइट्स आया है शायद 132 रुपये का दाम है मेरे ख्याल से, वो दाम मैं कंफर्म करना चाहूँगा, लेकिन 132 है मेरी यादाश जो कहती है। और आज में खबर भी है कि वो डॉली खन्ना ने एंट्री की है, 1.5% स्टेक लिया है, वो Q4 में आ सकता है, ऐसी न्यूज़ है बाजार में जिसके बाद चला है। ठीक है, कंपनी में मुझे एक दो पॉजिटिव एक दो नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि भैया 135 रुपये, 130 रुपये, 132 रुपये, 140 रुपये की रेंज में प्रमोटर माल ले रहा है अभी भी, और ये इंटरेस्टिंग है क्यों, जबकि वो 60 रुपये में इससे पहले माल ले रहा था, तो 60, 70, 90 और 135 इस रेंज में माल लेता ही चला गया प्रमोटर। 1 दूसरा क्यों ले रहा है समझ में नहीं आया मुझे, यानी कि टारगेट और ऊपर के देख ही रहे होंगे तभी ले रहा है। एक बारी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात भी मेंशन की थी कि सेबी का मैंडेट है उनको कि वो पोजीशन ले सकते हैं, मतलब होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, तो शायद उसी को बढ़ा रहे हैं अपनी। लेकिन प्रमोटर की एक्टिविटी इस तरह की है, कैपेसिटी बढ़ाई है उन्होंने बैंगलोर में अपनी नई, राइट्स भी आया हुआ है, पिछला राइट्स था शायद 60 रुपये की रेंज में, 60-70 रुपये रेंज में, तो और अभी अब आपको ये थोड़ा समय जरूर बिताता दिखेगा इस चैनल में, ये ध्यान रखिएगा 162 साल का हाई है सोम डिस्लरी का, और अभी 150-155 में मैंने देखा था आज, तो बेटर यही है कि आप ये अब रेंज में तो रहेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। वो रेंज कितनी बड़ी रहेगी नहीं पता, लेकिन रहेगा रेंज में जो चल भी रहा है, तो ये रेंज चलते चलते तोड़ रहा है हर बार अपर एंड को, तो शायद अभी भी रेंज का अपर एंड ही तोड़ेगा, लेकिन रहेगा रेंज में, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा और ये क्वार्टर का नंबर ज़रूर देखिएगा। जुबिलेंट एनग्रेविया बने रही है हर्षद सर, लग रहा है कि अगले उससे थोड़ी बेटर सिचुएशन होनी चाहिए इनकी अगले क्वार्टर के नंबर से या इस क्वार्टर के नंबर से। MCX के केस में तेजी में एग्जिट करें ज़्यादा बेटर है। वाई इज हिंदुस्तान फूड रनिंग सो मच एंड एट वट प्राइस टू बाय? मुकेश सर वो जो 600-900 रुपये था लास्ट जो मेरे को याद था,
अब तो मैंने बहुत टाइम से ट्रैक भी नहीं किया, दो कंपनीज गुड चल क्यों रहा है, वो एफएमसीजी की डिमांड, पीएलआई स्कीम, गुड नंबर्स, ये कुछ ट्रिगर है, और वैसे ही मिड कैप में आजकल बाइंग है, तो ये सब मोमेंटम के दम पर चल रही चीज़ें। क्यों चल रहा है, क्यों टूट रहा है, कोई खड़ा बड़ा रीज़न ऐसा नहीं होता, एक न्यूज़ पे टूट जाते हैं, एक न्यूज़ पे चल जाते हैं, मानसून बेटर हो गया, पिकअप आ जाएगा रूरल डिमांड में, एफएमसीजी डिमांड आ जाएगी, वापस पिकअप कर जाएंगे, आउटसोर्सिंग प्लेयर हैं ये एचयूएल का आउटसोर्सिंग करते हैं, प्रॉक्टर का करते हैं, नेस्ले का भी करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, तो ड्यूरासेल जिलेट का भी करते हैं, सो लाइकवाइज अच्छी कंपनी है बट नीचे के दाम पे मिले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, शुड आई ऐड टीसीएस टुमारो और वेट फॉर रिजल्ट्स? 500 शेयर अनिल तो आप वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है, आपकी कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नीचे मिल जाए तो सस्ती चीज़, अच्छी चीज़ जितनी सस्ती मिले उतना अच्छा, मान लो नंबर के बाद और नीचे मिल जाए, क्या पता ख़राब नंबर आ जाए, तो उस हिसाब से कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है, ऐसे इवेंट के जस्ट सामने खड़े होकर ऐसे कॉल नहीं ले सकते ना, अगर आपको इवेंट पता नहीं है तो बेटर है इवेंट हो जाने दीजिए, नीचे की तरफ मिल जाए, अर्निंग्स हैं परसों, अनुमान मार्केट लगा रहा है कि शायद कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 3% 3.5% के आसपास इस क्वार्टर में कंपनी पोस्ट कर सकती है, कमेंट्री इस क्रूशियल की FY24 के लिए क्या कमेंट्री आती है, लेकिन अदरवाइज नंबर बेटर रहने का अनुमान है, तो बाकी वेट कर लीजिए। टूटा आज इसलिए कि लोगों को बायबैक की उम्मीद थी, इसकी डेट कल थी, वो बायबैक हुआ नहीं, बस तोड़ दिया शेयर को, सो नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी डील नहीं है, अच्छी कंपनी, इसमें कोई तो डिनाइल है ही नहीं, प्राइस और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ओके, EIH, दीपक सर बेटर इज स्विस टू इंडियन होटल्स, मतलब दो कंपनी इज नॉट बैड बट इसमें कॉर्पोरेट वॉर चलती आ रही है बहुत सालों से बिटवीन ITC एंड रिलायंस, सो आप बेटर इज कि आप इंडियन होटल देख लें, एटलीस्ट क्लीन है इस सिचुएशन में, एलिमेंट्री नीचे के दाम पर मिल जाए तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन एवरेज जुबिलेंट फूड गौरव जी, इफ़ इन केस आपका होराइजन भी टाइम लॉन्ग टर्म का है, तो मतलब मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच के चल रहे हैं देन इट्स गुड टू गो, थोड़ा समय भले बिता लेगा इस रेंज में बट इट्स अगेन गुड टू गो, नई मैनेजमेंट आ गई है, देखते हैं क्या क्वार्टर के नंबर्स आते हैं, बट स्टिल सो फार कंपनी इज लुकिंग गुड, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, अभी तक इनका डोमिनेंस ही है मार्केट शेयर में, तो वो डोमिनेंस से आप डोमिनोज को देख सकते हो। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, आपसे अब कल मुलाकात होगी सेम टाइम सेम प्लेस, और बाकी @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप जरूर ले लें। नमस्कार।